हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मौर्वी नंदन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th मैथ्स लेसन नंबर 2 पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू माइनस 1 और थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3। इसमें सिंपली हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें जो यहाँ पर पॉलीनोमियल दी गई है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इसको लिख लेना है और x की वैल्यू 0 कर देनी है। क्या करनी है? x की वैल्यू 0, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 के साथ क्या है, x है, कोई बात नहीं 0 कर देंगे। माइनस 4 के साथ क्या है, x स्क्वायर है, कोई बात नहीं 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3। क्लियर? तो अब आप देखेंगे कि 0 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है, भाई 0 होता है। माइनस 4 मल्टीप्लाई, देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होगा, 0 होगा, प्लस 3। भाई 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 बचेगा, और 0 के अंदर 3 प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारे पहले इक्वेशन का आंसर आएगा 3, ठीक है, यानी कि जब हम इस पॉलीनोमियल के अंदर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 3। आइए सेकेंड क्वेश्चन में हम x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमें सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ माइनस 1 रखना है। तो 5 के साथ हम रखेंगे माइनस 1, फिर ये माइनस, फिर 4 के साथ हम रखेंगे माइनस 1, एक्स का स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 3, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 को जब प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि माइनस 1 का स्क्वायर, देखिए माइनस 1 का स्क्वायर मैं आपको यहाँ पे करता हूँ, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारा जो माइनस 1 का स्क्वायर है वो हो जाएगा पॉजिटिव 1, प्लस 1, प्लस 1 को जब हम माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 4, ओके, और साथ में है प्लस 3। ये देखिए माइनस 4 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस 9, और ये हो जाएगा प्लस 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 6। माइनस 9 में प्लस 3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 होगा, बड़े वाले का साइन लग जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 को के अंदर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। तो 5x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, चलो 2 रख दिया। माइनस 4x की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4। अब देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2, तो कितना हो जाएगा, 4, 2 टू ज़र 4, या फिर 2 की पावर 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया, तो 4 प्लस 3। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो ये 10 का 10 एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा हो जाएगा 16 प्लस 3, ओके। अब हम क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे 16, तो हमारे पास बचेगा माइनस 6 और प्लस 3, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस 3। माइनस 6 में जब प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 3। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके अंदर पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 निकालने हैं। अब इसको किस तरह से करेंगे, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी ऑफ 0। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए पी ऑफ वाई का हमें इक्वेशन दिया गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर पी ऑफ 0 का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 0 रखना है। तो ठीक है, यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर, माइनस वाई है तो 0 आ जाएगा, प्लस 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब सेकेंड क्या बोला है भाई, पी ऑफ 1 निकालिए, क्या निकालिए, पी ऑफ
वन निकालिए। अब पी ऑफ वन भी हमें इसी इक्वेशन में रखना है, ठीक है, यानी इसी पॉलिनोमियल में हमें वाई की वैल्यू वन रखनी है। तो देखिए पहला क्या है, वाई का स्क्वायर, यानी हम क्या कर देंगे, वन का स्क्वायर। दूसरा क्या है, माइनस वाई, तो माइनस वन लिख लेंगे, प्लस वन लिख लेंगे, ठीक है। अब वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा, माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और प्लस वन क्या हो जाएगा, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा वन। अब हम निकालेंगे पी ऑफ टू। अब पी ऑफ टू में हमें क्या करना है, सिंपली जहाँ जहाँ वाई दिखे वहाँ वहाँ टू रखना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर यानी क्या होगा, टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई मतलब क्या हुआ, माइनस टू प्लस वन, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर यानी फोर माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू कितना होगा, टू हो जाएगा, प्लस वन इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारा थ्री। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये है हमारा पी ऑफ ज़ीरो ऊपर वाला, ठीक है, और यहाँ पर हम हमारा जो सेंटर में है ये है पी ऑफ वन, और नीचे जो है वो है पी ऑफ टू। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है, हमें पी ऑफ ज़ीरो रखना है पहले। तो जहाँ जहाँ टी दिखे वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, ज़ीरो। देखिए पी ऑफ टी दिया हुआ है, जहाँ जहाँ टी दिखे वहाँ वहाँ ज़ीरो रख देना है। तो देखिए टू प्लस ज़ीरो प्लस टू, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो का क्यूब, तो आप पाएंगे ये हो जाएगा टू प्लस ज़ीरो प्लस, अब देखिए ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, और ज़ीरो को टू में मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो, माइनस ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो, तो हमारा आंसर आ जाएगा टू। क्लियर। अब हम आगे करते हैं पी ऑफ वन, ठीक है, पी ऑफ वन करते हैं, ठीक है। पी ऑफ वन में क्या होगा, सेम चीज़ इक्वेशन पॉलिनोमियल यही रहेगी, ठीक है, सिर्फ वन लिखेंगे टी की जगह पे। तो देखिए पहला टू है तो टू लिख देंगे, प्लस टी है तो वन आ जाएगा, प्लस टू टी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, माइनस टी का क्यूब यानी वन का क्यूब, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा टू प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर वन, वन टू ज़ा टू, मतलब टू के टू से वन को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वन का क्यूब वन। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, टू और वन कितना हुआ, थ्री, प्लस टू माइनस वन, प्लस टू माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन, वन जो टू है टू में से वन को माइनस करेंगे, ठीक है, तो वन बचा, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा आंसर फोर। तो आइए कर लेते हैं पी ऑफ टू, ये होगा हमारा, देखिए सेम चीज़ करनी है, जो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, टू रखना है। तो आइए करते हैं, देखिए ये हो जाएगा टू प्लस टी की जगह आ जाएगा टू प्लस टू, अब टी स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी कि टू का क्यूब। अब देखिए ये हो जाएगा टू प्लस टू प्लस टू की पावर टू यानी कि फोर, टू का स्क्वायर फोर, फोर टू ज़ा एट। ध्यान रहे इसको कैसे सॉल्व किया गया है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, टू की पावर टू यानी कि टू का स्क्वायर होगा फोर, और फोर को फिर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फोर टू ज़ा एट हो गया, ठीक है। माइनस टू की पावर थ्री, टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू, तो हो जाएगा टू टू ज़ा फोर और फोर टू ज़ा एट, तो जो क्यूब होगा वो हो जाएगा एट, सिंपल। अब देखिए टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर, अब देखिए प्लस एट और माइनस एट ये हो गया ज़ीरो, ठीक है, तो प्लस कर देंगे ज़ीरो इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा फोर, ठीक है। तो पी ऑफ टू का आंसर आया फोर। तो आइए कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिए इसमें एक ही टर्म दिया हुआ है सिर्फ एक्स क्यूब, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ ज़ीरो के अंदर क्या करेंगे, एक्स क्यूब है तो ज़ीरो का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, तो ज़ीरो का क्यूब क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगला क्या होगा, पी ऑफ वन, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, वन का क्यूब कर देंगे, तो वन का क्यूब क्या होगा, वन। फिर अगला क्या आएगा, पी ऑफ टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू का क्यूब कर देंगे, तो टू का क्यूब क्या होगा, एट, ठीक है, तो एट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ये इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और डायरेक्टली उसके अंदर हमें क्या कर देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है, जीरो की, वन की और टू की। तो आइए कर लेते फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर पी ऑफ एक्स दिया हुआ, देखिए पहले इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो सॉल्व करके कर सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको पहले डायरेक्टली ब्रैकेट में करके दिखाता हूँ। तो पी ऑफ ज़ीरो क्या होगा, देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो रख दो, ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस वन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, प्लस वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। दूसरा करते हैं पी वन,
ठीक है, पी ऑफ वन, तो पी ऑफ वन क्या हो जाएगा भाई, एक्स माइनस वन यानी वन माइनस वन, और दूसरा क्या है एक्स प्लस वन तो वन प्लस वन, ठीक है। तो ये वन माइनस वन हो गया जीरो, अब मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। वन माइनस वन ज़ीरो, वन प्लस वन टू, वन जीरो और टू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो आइए करते हैं पी ऑफ टू, ठीक है। पी ऑफ टू क्या है, पी ऑफ टू जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन है तो टू माइनस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन है तो टू प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे टू माइनस वन वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, तो पी ऑफ टू आ जाएगा थ्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किस तरह से करेंगे आइए वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे रब कर देता हूँ, देखिए फोर्थ क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। पी ऑफ एक्स जो है हमें इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन दिया है, तो देखिए आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का, ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि क्या करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखिए ये यहाँ पे सेम चीज़ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख दिया, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इसके अंदर पी ऑफ जीरो लगा दो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा माइनस वन, क्यों जीरो, जीरो में से माइनस वन गया माइनस वन। अब पी ऑफ वन लगा लीजिए, पी ऑफ वन में क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना अपना, एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर माइनस वन तो क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है। अब पी ऑफ टू अगर हम करें तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन था हमारे पास तो वन की जगह हमें क्या रखना है टू रखना है, सॉरी एक्स की जगह में क्या रखना है टू रखना है, टू का स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो ये है दूसरा तरीका जिससे हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और उनके साथ एक्स की एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, और यह पूछा गया है कि वेरीफाई कीजिए कि जो एक्स की वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, जो भी हमें वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, अगर हमारा फाइनल आंसर जीरो आ जाता है तो वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, और अगर नहीं आता तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो। तो आइए देखते हैं करके। तो देखिए पहला इक्वेशन हमें, पहला जो पॉलिनोमियल है वो हमें दिया गया है थ्री एक्स प्लस वन। अब एक्स की वैल्यू दी है माइनस वन अपॉन थ्री, तो ठीक है भाई एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, ठीक है। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन थ्री और वो भी माइनस प्लस में वन, ठीक है। अब देखिए थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो इसीलिए ये जो है माइनस वन अपॉन थ्री जो है वो हमारे पी ऑफ एक्स का क्या है एक ज़ीरो है। तो आइए कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम चीज फाइव एक्स माइनस पाई ले लेंगे, ठीक है। अब एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे फोर अपॉन फाइव, तो देखिए फाइव एक्स की जगह हम रखेंगे फोर अपॉन फाइव माइनस कर देंगे पाई, ठीक है। अब ये फाइव फाइव कट हो जाएगा, फाइव वन जा फाइव वन जा, अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसलिए हमने क्या किया इसको कट कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो ट्वेंटी अपॉन फाइव भी लिख सकते हो, तो आंसर फोर ही रहने वाला है, फोर माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर जीरो नहीं आया, तो आप लिखोगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, और यहाँ पर हम लिख देंगे यस इट इज़ अ पॉली, यस इट इज़ अ ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो और यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ अ ज़ीरो, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हम दो बार सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो सबसे पहले वन ले लेंगे, तो वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन, तो ज़ीरो आ गया। सेकेंड हमें बोला गया है माइनस वन,
तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके अंदर x की जगह में क्या रखना है, माइनस वन का स्क्वायर कर लेंगे। माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा, वन माइनस वन हो जाएगा ज़ीरो। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, दोनों ही केस में हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो आप कहोगे यस, ये जो दो नंबर हैं वो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनको भी दो बार करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन है और x माइनस टू है, तो अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह हम क्या कर लेंगे, पहले माइनस वन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस टू, तो ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में माइनस वन माइनस टू हो जाएगा माइनस थ्री, तो आंसर हो जाएगा हमारा ज़ीरो, ठीक है। अब आगे हम करते हैं x प्लस वन एक्स माइनस टू। अब ऐसी सिचुएशन, अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पर हम लेंगे टू, ठीक है। तो x की जगह 2 लेंगे तो 2 प्लस वन हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, ये भी क्या है, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल के ज़ीरो से, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल सा एक ही टर्म वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा भाई, जीरो होगा, तो आंसर हमारा आ रहा है जीरो। तो भाई ये भी इसके अंदर क्या है, इसका जीरो है, ठीक है, तो इसमें भी यस लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें एल एक्स प्लस एम लिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, एल एक्स प्लस एम ले लीजिए। एक्स की जगह हमें क्या रखना है, माइनस एम अपॉन एल रखना है, तो एल ब्रेकेट में हम क्या करेंगे, माइनस एम अपॉन एल रखना है, ठीक है, प्लस एम। अब ध्यान दीजिए, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एल एम हो जाएगा और अपॉन में रहेगा एल, और यहाँ प्लस एम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, एल एल कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एम प्लस एम, एम में से एम को माइनस करेंगे क्या बचेगा, जीरो। तो इसमें भी आप लिखोगे यस, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें दो वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस वन। अब x की जगह सबसे पहले माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखना है, तो आइए कर लेते हैं। तो 3x की जगह 1 अपॉन रूट थ्री, और वो भी किस में, माइनस में, और इसका हमें करेंगे स्क्वायर और माइनस वन। देखिए अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3। अब अंदर क्या होगा, देखिए माइनस नंबर का जब भी स्क्वायर होता है तो आंसर पॉजिटिव होता है। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट वाले किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालोगे तो सिर्फ अंडर रूट हटा देना है, ठीक है, सिर्फ क्या करना है, अंडर रूट हटा देना है। तो हम नीचे क्या मिलेगा, हमें नीचे मिलेगा 3, ठीक है, तो आगे आ जाएगा माइनस वन। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 माइनस वन, तो 3 वन जा, तो ये हो गया 1 माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब बात करें यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस वन, अब हम रखेंगे 2 अपॉन रूट थ्री, तो अब 2 अपॉन रूट थ्री रख लेते हैं x की जगह, तो 2 अपॉन रूट थ्री रख लेते हैं, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बाहर तो 3 रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब देखिए मैं यहीं पे काट दे रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पर भी काट सकते थे तो 1 बच जाता, लेकिन हमने अंदर मल्टीप्लाई करके काटा, अब बाहर भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 3। तो आप देख सकते हो एक में 0 आ रहा है और एक में 0 नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड 2 अपॉन रूट थ्री इज नॉट अ ज़ीरो, ठीक है। तो यानी एक ज़ीरो है और एक ज़ीरो नहीं है। तो आइए करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस वन, ठीक है। तो 2x प्लस वन के अंदर हमें x की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन टू, तो ठीक है भाई x की जगह 1 अपॉन टू रख देंगे। तो आप 2 को कट कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये भी ज़ीरो नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये भी क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे नो करोगे, यहाँ पे इसमें यस रहेगा और इसमें नो रहेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन दो आंसर होंगे अलग अलग, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स चलिए कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है।
फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए इसके अंदर हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहला काम करना पड़ता है उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो रख देना है। ठीक है, जिस भी पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड आउट करना हो उस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो रख देंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, x प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो रख देंगे। ठीक है, अब ये जो माइनस प्लस फाइव है ये इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस फाइव। अब बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, x माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो माइनस फाइव है वो इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फाइव हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस फाइव। ठीक है, क्योंकि जीरो में फाइव को प्लस करेंगे फाइव रहेगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अब ये फाइव जो है इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया, टू एक्स, अब ये टू जो है वो एक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अब मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव अपॉन टू। तो जो x इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, तो थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, माइनस टू इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस टू, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस टू। अब जो ये थ्री है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा थ्री एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, ज़ीरो कर लेंगे, थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब थ्री जो है वो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जीरो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि जो 3x पॉलिनोमियल है उसका एक ज़ीरो होगा, ज़ीरो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे कोई भी हमें नंबर नहीं दिया है, x के साथ एक अल्फ़ाबेट दिया है, यानी कि ये x इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे हम। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो a है ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो अपॉन a। अब ज़ीरो के डिवाइड में चाहे जो नंबर हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ज़ीरो। तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा ज़ीरो। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, तो सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ये जो आगे चीज़ें लिखी हुई है ये वैसे तो काम की है भी और नहीं भी, ठीक है, और काम की किस तरह से है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है कि सी जो है वो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, सी जो है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि सी अगर ज़ीरो हो जाएगा तो खाली एक टर्म बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, यानी कि वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सी जो है वो ज़ीरो नहीं है, और सी डी आर रियल नंबर, सी और डी जो है वो रियल नंबर है, जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बाकी हमें उस पर इतना ध्यान नहीं देना है, हम जो रेगुलरली सभी सम्स में करते आ रहे हैं वही हमें यहाँ पर भी करना है। तो d जो है वो प्लस में, इस साइड आएगा क्या होगा, माइनस d हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सी एक्स। अब ये जो c है इसको हम इधर ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस d अपॉन c। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 खत्म होती है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।